पीएमजी भाई टू उस्मान का आया आंसर। अब एम जी बाई टू, मयंक तिवारी 5 MG/2। सेकेंड आंसर में कंफ्यूजन है, एमजी बाई टू और 3 MG/2। देखते हैं बेटा, उत्कर्ष एमजी बाई टू। बोल तो बेटा, अगर मैं इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करूं, है ना बेटा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा बोलो? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना बच्चा। इसका मतलब ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, है ना। अब देखो बच्चा कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बोलोगे ना ऐसे बोलेगा बेटा नॉर्मल, है ना, यहां से भी लगेगा नॉर्मल, है ना, और यहां से बेटा नीचे लगेगा एमजी। बोलो बेटा, इस वाले का एफबीडी बनाया मैंने, बोलो है कि नहीं। अब देख बेटा, वर्टिकल के अबाउट सिमेट्री है ना, और अगर वर्टिकल के अबाउट सिमेट्री है, इसका मतलब ये भी एन होना चाहिए और ये भी एन होना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा, दोनों नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री ना बेटा, ये पूरा एंगल है ना बेटा 60 डिग्री, है ना। तो आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो इसका ऊपर में कम पॉइंट कितना हो गया? तो कहोगे 2n cos 30 इक्वल टू एम जी। इसका मतलब बेटा एन इक्वल टू MG/√3। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? बोलो कि नॉर्मल जो होगा बेटा वो MG/√3 होगा, है ना। देखना बेटा, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, फॉर ए, ए वाली की बात करें बेटा हम लोग, सब लोग गौर करना बेटा, ए वाले के लिए कहोगे यहां से बेटा अप्लाइड फोर्स एफ सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल आर्म जी, ग्राउंड से आएगा बेटा नॉर्मल एन ग्राउंड, है ना बच्चा। और देखो इन दोनों का बेटा नॉर्मल यहां से ऐसे लगेगा नॉर्मल एन। बोलो होगा ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा नटवर लाल, अगर दो नॉर्मल तुमको सेम समझ में नहीं आया बच्चा तो कोई बात नहीं, इसको एन वन मान लो, इसको एन टू मान लो, है ना बच्चा, और एक्स डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिखो, तुम अपने आप समझ जाओगे। देख बेटा, यहां से भी कांटेक्ट है ना, तो यहां से लगेगा ऐसे नॉर्मल एन ए बी। देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो बेटा, यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल, टोटल तीन नॉर्मल, एक दो और तीन। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो बच्चा। देखो कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चा, आगे देखो, अब सुनना बेटा ध्यान से। तो देखो बेटा, अगर मैं इस नॉर्मल को रिजॉल्व करूं, इस नॉर्मल को रिजॉल्व करूं, तो देख रहे हो ना बेटा, ये जो नॉर्मल ऐसे आएगा उसका ये एंगल है 60 डिग्री,
ये एंगल है 60, तो इसका जो कंपोनेंट होगा बेटा वो ऐसे हो जाएगा, क्या होगा n cos 60, और ये हो जाएगा बेटा n sin 60, होगा ना बेटा। इसका मतलब क्या लिखोगे, x डायरेक्शन में क्या लिखोगे इक्वेशन, x डायरेक्शन में लिखोगे बेटा f इज इक्वल टू एन ए बी प्लस एन ए बी प्लस एन कॉस 60, दैट इज इक्वल टू एन ए बी प्लस, यहां से बेटा हो गया एम जी बाई 2√3। बोलो बेटा ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब सुनना ध्यान से, अगर एफ ज्यादा बढ़ाओगे बेटा तो एन ए बी बढ़ेगा, मतलब तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इन दोनों बॉडी के बीच में दबाव ज्यादा होगा। बोलो बच्चा, और इन दोनों के बीच में बेटा दबाव ज्यादा होगा तो इस दबाव के ज्यादा होने से है ना इस सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो ये वाला पॉइंट पे हल्का सा टच करे बेटा या ऐसे दबा दे, ऐसे दबा दो या ऐसे हल्का सा टच करो, है ना बेटा, ये दोनों बातें सेम है ना इसके लिए बेटा, ये बात समझते हो ना। इसका मतलब हम कहेंगे बेटा कि एफ अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, है ना बेटा, एफ अगर मेरे को कम से कम चाहिए तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे एन ए बी इज टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, जस्ट टच, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे एफ इज इक्वल टू एम जी बाई 2√3, यही हमारा हो गया बेटा आंसर। बात समझ गए, ठीक है। अभिषेक रॉय बोलो बेटा, बोलो क्या बोलना है अभिषेक रॉय, कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अच्छा बच्चा कहता है एक बार और रिकैप कर दें, श्रिया भी कहती है एक बार और एफ मिनिमम का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। देखो बच्चा फिर से बोलता हूँ, सारा बोलता हूँ फिर से, देख बच्चा यहाँ तेरे को अगर डाउट हो रहा हो एन सेम होगा या नहीं तो तुम यहाँ एन वन एन टू मान लो, जब एन वन एन टू मानोगे तो फिर इस एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और इस एन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो दोनों तरफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, इससे प्रूफ हो जाएगा कि दो नॉर्मल की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है बच्चा। वर्टिकल से एंगल बनेगा 30, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट किया तो 2n cos 30, नीचे नहीं गिर रहा तो इक्वल टू एम जी, मेरा एन निकल गया बेटा। अब इसके बाद मैंने कहा फॉर ए, सिर्फ ए के लिए बात करो, सिर्फ ए के लिए बात करो, क्योंकि फोर्स तुमने ही लगाया ना, तो इसकी बात करोगे बेटा तो यहाँ से फोर्स आया, ये एन ए बी आया, ये नॉर्मल आया, उसका दोनों कंपोनेंट आया और ये एम जी आया, ठीक है बच्चा। ये बॉडी भी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा, तो ये लिख दिया इक्वेशन, फिर एन का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया, है ना बच्चा। और देखा मैंने ये जो इक्वेशन बना इसमें एफ बराबर एन ए बी है ना बेटा, है ना। अब सोचो कि एन ए बी मतलब इन दोनों का कॉन्टेक्ट, है ना बच्चा, इन दोनों का कॉन्टेक्ट, देखो बेटा हल्का सा ऐसे टच करो, हल्का सा टच करोगे तो अंगूठे पे फोर्स महसूस करो, अंगूठे पे फोर्स जीरो है ना बेटा, एकदम दबाव जीरो है, और अब चाहो तो ऐसे प्रेस कर दो, तो ऐसे प्रेस करोगे तो नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स को ज्यादा करूं तो उसके ज्यादा करने से सिर्फ यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए हल्का सा टच करेगा बेटा तो भी काफी है, तो हल्का सा टच करने के लिए मतलब एन ए बी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ जीरो पुट कर दिया तो एफ निकल गया, ठीक है। कब कब एन सेम होगा ये तो रियलाइज करना पड़ेगा बेटा तुमको, तुम मत ही लो इसको, तुम एन सेम मत ही लो, तुम एन वन एन टू लेके बनाओ, ठीक है बच्चा, फटाफट नोट करो।
सीट के 50% क्वेश्चन ही बनते हैं, गुड है या बैड है, ठीक है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बस और प्रैक्टिस करो। स्टडी मटेरियल दिलाऊं? हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चों का इतना डिमांड आ रहा है स्टडी मटेरियल के लिए, तो मैं सोचा कि मैं खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल लेता हूँ। एक ऐसा आइडिया है कि खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल करके वहां लिखाना छोड़ता हूँ और अब से स्टडी मटेरियल ही बेचूंगा, है कि नहीं। देखता हूँ हर क्लास में, हर जब जब भी क्लास में इंटर करता हूँ, 20 बच्चे 30 बच्चे कम से कम बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल दिलाओ। क्या करें बेटा, आप आइडिया, ऐसा आइडिया आ रहा है, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा एक बार अच्छे से आपस में हम लोग राय मशवरा करेंगे, है ना, कि पढ़ाना छोड़ करके स्टडी मटेरियल छपवाने का काम किया जाए तो कैसा रहे। 7500 से कम होगा तो लेंगे, 7500 से कम, ठीक है, 7000 कर लेंगे, डिस्काउंट दे देंगे तुम लोग को। तो कुछ सालों में बिल गेट्स के बराबर अमीर हो जाएंगे, बिल गेट्स के बराबर। अच्छा, आरती बोलती है कि बहुत अच्छा आइडिया है पर पढ़ाना नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक दक्ष लिख रहा है होम डिलीवरी है कि नहीं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि क्या करूंगा कि अमेजन से बात कर लूंगा, अमेजन से, है ना, स्टडी मटेरियल अमेजन से ही बेचूंगा। अनिकेत बोलता है पढ़ाना नहीं छोड़ना। बेटा पढ़ाना तो आदत सी हो गई है, नहीं पढ़ाते तो मन लगता ही नहीं है। चलो इरेज किया जाए बच्चा, आगे पढ़ें, ऑफर दे दीजिएगा। हाँ, अच्छा सा ऑफर देंगे, बिल्कुल अभी पढ़ लिया जाए। देखो बेटा आगे, अब देखा जाए बेटा पुलिस के बारे में, पुली के बारे में, पुली। देख बेटा, एक बच्चा लिख रहा है काश सर आप स्कूल में पढ़ाते, स्कूल वाला हम लोग को नौकरी देगा ही नहीं यार, अब हमको भी लगता है काश स्कूल में पढ़ाए होते कितना अच्छा रहता, कितनी छुट्टी मिलती है स्कूल में, नहीं स्कूल में पढ़ाते अच्छा होता, लेकिन स्कूल वाला रखेगा ही नहीं हमको, बीटेक वालों को रखता ही नहीं स्कूल वाला, है ना, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। चलो आगे पढ़े बेटा। देखो बच्चा, आप पुलिस के बारे में बात करें तो देख बेटा, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर केसेस में 90% क्वेश्चन में तुमको पुलिस जो है बेटा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, यू दिखेगा बेटा पुलिस, यहां से रस्सी ऊपर जाएगी बेटा और इस पर से रस्सी ये पास करेगी, है ना बेटा। हो सकता है अलग अलग कंडीशंस में इन दोनों रस्सी के छोर जो है बेटा, ये रस्सी के छोर के बीच का एंगल जो होगा बेटा वो अलग अलग होता है ना। तो देखो बेटा, अभी वाले कंडीशन में कहोगे इस पुली से हर बार दो रस्सी होगी बेटा, एक तो पुली के ऊपर से पास करेगी, है ना, और एक पुली के सेंटर से पास करेगी, बोलो बच्चा, है ना, ऊपर फिक्स करने के लिए। तो देखो बेटा, इस रस्सी के लिए मैंने मान लिया ये टेंशन जो है वो T1 है, इस वाले के लिए मैंने मान लिया टेंशन T2 है, और इस वाले का मैंने मान लिया टेंशन T3 है, और इन दोनों इस रस्सी के एंड से बेटा कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब कहें पुलिस के बारे में, है ना बच्चा। तो देखो, यूजुअली तुम कुछ भी पुलिस का सामना करोगे बच्चा, है ना, तो पुलिस को तुम दो कैटेगरी में बांट सकते हो, है ना बच्चा। पुलिस की कैटेगरी क्या है बेटा, तो कहोगे, एक तो कहोगे बेटा आइडियल पुलिस, है ना, और एक कहोगे बेटा रियल पुलिस, वास्तविक पुलिस, है ना बच्चा। आइडियल में क्या, तो कहोगे आइडियल हम उसको मानेंगे जब क्या हो, पुलिस मासलेस हो, पुलिस में कोई मास ना हो, ठीक है बच्चा, और इसे क्या बोलोगे, हैवी, ठीक है बेटा। आइडियल है तो मासलेस है, और रियल है तो हैवी है, भारी पुली है। तो देख बेटा, जब पुली अगर भारी हो तो पुली में दो बात बोलोगे, क्या बोलोगे, हैवी भी है बेटा और फ्रिक्शनलेस पुली है बेटा, ठीक है, या बोलोगे बेटा कि रफ पुली हो, बोलो बेटा, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली तीन कैटेगरी बन गए बेटा, अल्टीमेटली
तीन कैटेगरी बन गई, कौन कौन सी बन गई, एक बन गया आइडियल जो मासलेस है बेटा, और दूसरा हम बोलते हैं भारी है और रफ है ना बेटा। भारी में दो केस है भी, स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली और दूसरा हमारा रफ पुली। तो फाइनली तीन कैटेगरी ऑफ पुली हो गए बेटा, है ना। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, एक ही बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है, सुनना एकदम गौर से। देख बच्चा, इमेजिन कर पुली ऐसे रखा है, तुम यूं रस्सी को पकड़ो और ऐसे ऐसे करके महसूस करो, तो ऐसे ऐसे करोगे बेटा तो पुली ऐसे ऐसे घूमेगा, बोलो है कि नहीं। कहोगे ऐसे हम जोर से खींचेंगे तो ऐसे पुली घूम जाएगा, और ऐसे जोर से खींचेंगे तो पुली ऐसे घूमेगा, बोलो है ना। तो देखो बेटा, ऐसे मैं जोर से खींचा, इधर मैं जोर से खींचा तो ये हाथ ऊपर गया और पुली ऐसे घूमा, तो कहेंगे इधर वाला फोर्स दो काम किया, इधर वाला फोर्स दो काम किया, क्या, एक तो इस टेंशन को बैलेंस किया और दूसरा इस पुली को घुमाया, है ना बेटा। तो पुली के घुमाने में अगर जो इफर्ट है वो एक्स है, मान लो पुली का घूमना का इफर्ट एक्स, ठीक है, इसका मतलब ये वाला फोर्स कितना हुआ, तो टी थ्री प्लस एक्स, है ना बेटा। अगर मैं ऐसे खींचा तो ऐसे घूमा तो टी टू कितना है, तो टी थ्री प्लस एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि एक्स में पुली हमारा मास है, पुली भारी है, पुली को घुमाने में कुछ मेहनत लगेगी। लेकिन सोचो अगर पुली हमारा हल्का हो, इस मासलेस हो, है ना बच्चा, तो इसको घुमाने में कोई फट की जरूरत नहीं है ना, इसको घुमाने में कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टी टू इक्वल टू टी थ्री, ठीक है बच्चा। तो अगर पुली हमारा मासलेस है बच्चा, है ना, तो मासलेस पुली में क्या कहोगे, इसमें कहोगे टी टू इज इक्वल टू टी थ्री, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब कहोगे बेटा ये पुली अगर मासलेस है, तो बताया था ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, मासलेस बॉडी को हर कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसमें इनर्सिया नहीं होता, मासलेस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो है ना। तो क्या लिखोगे, T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर इक्वल टू जीरो। वेक्टर में ये क्या है, मैग्नीट्यूड में, और ये क्या है, वेक्टर में, ठीक है। अब चलो फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन लेस है पुली, सुनो पुली का सरफेस जो है बेटा वो एकदम ही स्मूथ है, एकदम ही स्मूथ है, तो रस्सी रखेंगे और रस्सी फिसल जाएगी, रस्सी रखते ही रस्सी फिसल जाएगी बेटा। ये पुली का सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस हो बेटा, तो रस्सी रखोगे नहीं रस्सी फिसल जाएगी, मतलब पुली घूमेगा ही नहीं। जब पुली घूमेगा ही नहीं तो पुली के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट की जरूरत नहीं, तो दोनों तरफ टेंशन बराबर, टी टू इक्वल टू टी थ्री, है ना बेटा। लेकिन इस पुली में अगर कोई मास है तो एक फोर्स मिसिंग है, एम जी, एम जी भी चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब टी वन वेक्टर प्लस टी टू वेक्टर प्लस टी थ्री वेक्टर जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है बेटा। अब देखो रफ पुली है, पुली का सरफेस बेटा रफ है, रुखड़ा है, इसका मतलब रस्सी इसके ऊपर ऐसे जाएगा तो इस पुली को लेके घूमेगा, तो इस पुली को लेके घूमेगा बेटा, इसका मतलब एक्स्ट्रा इफर्ट की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा इफर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब टी टू इज नॉट इक्वल टू टी थ्री एंड टी वन वेक्टर प्लस टी टू वेक्टर प्लस टी थ्री वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चा, समझा। आइडियल भी तो फ्रिक्शनलेस होती है बेटा, आइडियल को फ्रिक्शन से ही मानना है बेटा, है ना। आइडियल में मास में यहां लिखे रहा हूं मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, है ना बेटा, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है बच्चा, दोबारा नहीं। अब याद करना तुमको ये कि पुली अगर मासलेस होगा तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगा और ऊपर नीचे का फोर्स भी सेम होगा, पुली अगर भारी है तो फ्रिक्शनलेस है तो दोनों तरफ सेम टेंशन लेकिन ऊपर नीचे का फोर्स सेम नहीं होगा, अगर पुली रफ है तो कोई भी टेंशन सेम नहीं होगा, जल्दी लिखो।
देखो बच्चों आगे इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम्स पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। समझा बेटा, पुली और स्ट्रिंग दोनों ही मासलेस है। फाइंड टेंशन इन ईच सेगमेंट, ईच सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर हिस्से में टेंशन निकालना है। सबसे पहला सवाल है बेटा, सीलिंग छत हो गई, छत से एक पुली आया, पुली से एक रस्सी आई और यहां से एक मास आया, 2 किलोग्राम का मास है ये, ठीक है बेटा। तो इसमें कितने सेगमेंट हो गए, 1, 2 और 3, तीन हो गए सेगमेंट। ठीक है बेटा, दूसरे वाले में देखो, यहां से पुली आया, पुली से एक मास आया 10 किलोग्राम का, यहां से एक और पुली आया, इस पुली को यहाँ फिक्स कर दिए, यहां से एक और पुली आया, ठीक है, पुली के इसको फिक्स कर दिए है ना बेटा, और यहां से इसको भी फिक्स कर दिए, यहाँ कितने सेगमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए सेगमेंट है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहला मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा तुम करोगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, मान लिया मैंने कि इसका टेंशन T है, तो मैंने कहा था ना आइडियल पुली में दोनों तरफ सेम होता है टेंशन, यहाँ T है बेटा तो यहाँ भी T होगा, और इस पहली पुली पे रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होता है, इसका मतलब ये टी टी तो यहाँ का टेंशन 2T है ना बेटा। और टेंशन का डायरेक्शन कैसे, तो क्या बोलोगे, इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर खींचेगा, पुली को नीचे खींचेगा, इस पुली को नीचे खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, है ना बेटा। जो 2T का टेंशन है, कहोगे पुली को ऊपर खींचेगा और छत को नीचे खींचेगा, ठीक है बेटा। तो देख पुली पे क्या हुआ, 2T, T और T कैंसिल हो गया। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचो, तो कहोगे ब्लॉक तो हमारा मूव नहीं कर रहा, और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 2G, तो कहेंगे T इज इक्वल टू 20 न्यूटन, 20, 20 और 40, चलो उसको बनाओ। सब जगह टेंशन का डायरेक्शन दिखाना भूलना नहीं, टोटल 7 सेगमेंट हैं, सब जगह टेंशन का डायरेक्शन दिखाओ। सर इस टेंशन सेम एज नॉर्मल, क्यों बच्चा टेंशन अलग होता है नॉर्मल अलग होता है बच्चा। अंकिसा टेंशन बेटा स्प्रिंग में, नॉर्मल तो सरफेस के कांटेक्ट में ना बच्चा। चलो देखो बेटा, इसका अगर मैं टेंशन T मान लूं तो ये भी टेंशन T, ये हो जाएगा 2T है ना बेटा।
फिर देखो ये आइडियल पुली, आइडियल पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ टू टी है बेटा, तो ये भी हमारा टू टी हो गया। अब ये टू टी और टू टी, तो यहाँ हो गया बेटा फोर टी। ये बेटा आइडियल पुली, आइडियल पुली के दोनों तरफ सेम टेंशन, बोल बेटा है ना। तो आइडियल पुली ये भी है बेटा, तो यहाँ फोर टी फोर टी, तो यहाँ पे होना चाहिए बेटा एट टी। बोलो बात समझे ना, डायरेक्शन देख लो, टेंशन के डायरेक्शन ऐसे, पुली के लिए ऐसे, यहाँ ऐसे, पुली के लिए ऐसे, यहाँ इसके लिए ऐसे, इस पुली के लिए ऐसे, यहाँ टेंशन यू, यहाँ टेंशन यू, यहाँ से टेंशन ऊपर, यहाँ से टेंशन नीचे, यहाँ से टेंशन नीचे, यहाँ का टेंशन ऊपर, यहाँ से टेंशन ऊपर, यहाँ से टेंशन नीचे। टेंशन जहां भी होगा बेटा खींच रहा होगा, है ना। अब क्या बोलोगे, ये बॉडी हमारा मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इस बॉडी के लिए क्या हो गया बेटा, ऊपर टेंशन 40, नीचे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स 10g, इसका मतलब टेंशन T इक्वल टू 25 न्यूटन, 40 इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, लिख ले, कितना कितना हो गया, 25 25, 50 50, 100 100 और ये 200। ठीक है बेटा, एक दो तीन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है बच्चा, ये स्ट्रिंग हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों में एंगल 90 डिग्री। बनाओ, बनाओ बेटा, मोटरोला वन विजन, ये कौन सा नाम है रे, नाम ठीक करो सब लोग अपना भाई, उल्टा पुल्टा नाम बताया करो, बोलो भाई मोटरोला वन विजन। सर मोबाइल का है सर। हाँ मुझे पता है मोबाइल का है बेटा, लेकिन तू भी अपना नाम सही कर सकता है ना उसको। अरे सर मैं काजी हूँ सर, उसमें अभी हमेशा से सर पीसी में लेता हूँ, लेकिन आज सर मोबाइल में ले रहा हूँ। अच्छा ठीक, बताओ क्या दिक्कत। सर ये सी वाला एक बार डायग्राम समझा दीजिए सर, एंगल वगैरह कितने। देखो बेटा ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है ना, जी सर, ऊपर वाले का एंगल दिया हुआ नहीं है। अच्छा सर, बाकी दोनों स्ट्रिंग एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। ओके ठीक है सर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, देख रहा हूं मैं। लगभग सही, बच्चों का सही आंसर है। अब डी भी कर लो, जानवी तो चेक कर गलत तेरा।
देखो बच्चों, टेंशन का डायरेक्शन देखो कैसे बोलोगे, ऑन ब्लॉक ऊपर, ऑन पुली नीचे, ऑन पुली नीचे, ऑन द वॉल आगे की तरफ। यहां देखो इधर टेंशन इधर और यहां से टेंशन ऐसे, है ना बेटा। तो अब देखो अगर इक्वेशंस की बात करें बेटा, तो 5 kg के लिए बोलेंगे बेटा ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, है ना बेटा। तो देखो ब्लॉक के लिए क्या हो गया, ये 5g बेटा, तो टेंशन टी 5g, तो टी इक्वल टू हो गया बेटा 50 N, है ना। लेकिन देख बेटा इस पुली की बात करेगा तो कहोगे इस पुली पे देखो, इस पुली पे ऐसे टेंशन हो गया, मान लिया मैंने T1, तो ये T1 हो गया बेटा, और ये हमारा 50 हो गया, और ये भी हमारा 50 हो गया, है ना। तो देखो ना बेटा ये 50 ये 50, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे ना आएगा बेटा 50√2, इसका मतलब T1 की वैल्यू हो गई बेटा 50√2 N, है ना। देखो बेटा इस पुली को और इस पुली को महसूस करो, ये पुली और ये पुली थोड़ा अलग है ना बेटा, है कि नहीं। यहाँ देखो दोनों टेंशन हमारा पैरेलल है, 0° एंगल है, तो हम टूटी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ टूटी नहीं बोल सकते ना बच्चा, क्योंकि एंगल 90° है, ठीक है। अब देखो बेटा लास्ट वाले में क्या बोलोगे, यहां से यू टेंशन, यहां से यू टेंशन, यहां से ऐसे बेटा, और यहां से ऐसे, ठीक है, और इस वाले के लिए बेटा ऐसे, और यहां से ऐसे, है ना। तो देखो बेटा इसको मैंने टी मान लिया, ये भी टी हो गया, इसको मैंने मान लिया T2। तो क्या बोलोगे बेटा, बोलोगे इस वाले बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा 6g, तो टेंशन हो गया बेटा 60 N, है ना। लेकिन अब पुली को देखो, पुली को देख बच्चा, पुली को देख के क्या बोलोगे, पुली को देख के क्या बोलोगे बेटा, पुली पे ऐसे हमारा हो गया बेटा 60, है ना, और ऐसे भी हो गया 60, है ना बेटा, और ये वाला फोर्स ऐसे होना चाहिए कि इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, तो दोनों फोर्स अगर बराबर है बेटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसे ना आएगा बेटा, ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30, इसका मतलब T2 इक्वल टू 2 × 60 × cos 30, दैट इज इक्वल टू 60√3 N, है ना बेटा, लिख ले। पहले में टी किसका निकाला है सर, cos 60 क्यों किया है, cos 60 कहाँ किया बेटा, ओ सॉरी cos 30 है वो, माय मिस्टेक, वो 30 है बेटा, है ना। सी अगेन एक्सप्लेन कर दूं, सी में क्या दिक्कत बेटा, इसके लिए टी इक्वल टू 50, टी इज इक्वल टू 50 इसके लिए। अब इसका डायग्राम ये बना है, ये T1 है, यहाँ का टेंशन T1, ये 50 और ये 50,
एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू कॉस 45। टूटी क्यों लेंगे बेटा, सिखाया ना मैंने टूटी कब करना है, जब सेम डायरेक्शन हो। दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कब करते हैं, जब डायरेक्शन सेम हो, हमेशा नहीं करते ना बेटा। टी टेंशन दोनों में है बच्चा, पुली के लिए माँ, पुली के लिए टी नीचे है और इसके लिए टी ऊपर है। ये टी यहां से यहां तक हर जगह सेम टेंशन है। अब देख बेटा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है बच्चा। नेटवर लाल को पूछना है, बोल नेटवर लाल, नेटवर लाल बोलो भाई। अनम्यूट करो। तो वो गलती से हो गया था। ओके चल देख बच्चा, कॉन्स्टेंट मोशन, तो देख बेटा कॉन्स्टेंट का मतलब होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट मोशन का मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मोशन, ठीक है बेटा। मोशन में प्रतिबंध, ठीक है। तो मोशन में रेस्ट्रिक्शन किस चीज का है, इमेजिन करो अगर कोई बॉडी है बेटा फ्री, जमीन के प्लेन पे एक बॉडी रख दो, जमीन पर एक बॉडी रख दो बच्चा, तो उस जमीन पे रखा हुआ बॉडी उस जमीन पे कैसे भी मूव कर सकता है बच्चा, है ना। लेकिन अगर उस बॉडी को एक रस्सी से बांध के खींचे बेटा, तो जिस डायरेक्शन में रस्सी खींचेगी उधर ही बॉडी जाएगा बेटा, बोलो। इसका मतलब इस बार जो मोशन में रेस्ट्रिक्शन है बच्चा, वो किसके वजह से है, तो कहोगे ड्यू टू बीइंग कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग, है ना बच्चा। तो कॉन्स्टेंट मोशन दो तरह का बच्चा, ठीक है, कॉन्स्टेंट मोशन दो तरह का, ठीक है। तो क्या कहोगे, एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और दूसरा बेटा वेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बेटा हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में, ठीक बेटा। तो देखो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन इन मोशन ड्यू टू बीइंग कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग, ठीक बेटा। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, आइडियल स्ट्रिंग, कैसे लिखो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैज इट्स लेंथ कॉन्स्टेंट, है ना बेटा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर स्ट्रिंग बेटा इनएक्सटेंसिबल हो, स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल हो, है ना बेटा, तो स्ट्रिंग ना खींचेगा ना छोटा होगा, ना लंबा होगा ना छोटा होगा, है ना बच्चा। तो अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा इन ए टाइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसा हो बेटा, टाइट हो, ढीला नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिंग अगर बेटा टाइट है, स्ट्रिंग अगर बेटा टाइट है ना, इसका मतलब इसका ए वाला पॉइंट और इसका बी वाला पॉइंट, है ना बेटा, ए और बी, है ना बेटा। क्या कहोगे, वी अप्रोच या वी सेपरेशन, है ना बेटा, फॉर ए एंड बी इक्वल टू जीरो, है ना बेटा। अगर टाइट स्ट्रिंग है तो ए और बी पॉइंट ना तो पास आएंगे ना ही दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे तो वी अप्रोच जीरो, दूर नहीं जाएंगे तो वी सेपरेशन जीरो, ठीक है बच्चा। अब देखो मान लिया किसी एक टाइट स्ट्रिंग में हमें ऐसा दिखा मोशन कि इस वाले की वेलोसिटी इस तरफ बी ए, है ना बेटा, और इस पॉइंट की मोशन इस तरफ क्या बेटा, बी बी,
ठीक है बेटा, ऐसे क्या दिखा वेलोसिटी वी ए, ऐसे क्या दिखा वेलोसिटी वी बी, जब ये एंगल अल्फा हो और ये एंगल बेटा बीटा हो, है ना। तो देखो तो बेटा अभी मैं इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करूं, क्या कहोगे, ऐसे कंपोनेंट वी बी कॉस बीटा, ऐसे बोलो वी बी साइन बीटा, इसका देखो बेटा ऐसे बी ए कॉस अल्फा, ऐसे देखो बेटा वी ए साइन अल्फा, है ना बच्चा। तो अब महसूस करो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये इसको घुमाना चाहता है ना, लंबाई में परिवर्तन के लिए ये दोनों जिम्मेदार है बेटा, है ना। तो अगर कहते हो लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, जितना ये आगे गया उतना ये भी आगे जाएगा स्ट्रिंग के सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा। बोलो बेटा वेलोसिटी का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होगा, ठीक है बच्चा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट क्या बना, तो कहोगे बेटा वेलोसिटीज ऑफ द एंड्स, दोनों ओर छोर की वेलोसिटी, है ना बेटा, अलोंग स्ट्रिंग, अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के सेम डायरेक्शन में, है ना बेटा, मस्ट बी सेम, स्ट्रिंग के सेम डायरेक्शन में दोनों पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होगी, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। हाँ बेटा डिस्कशन करेंगे आज, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, वेलोसिटीज ऑफ द एंड्स अलोंग स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, लास्ट पॉइंट ये बेटा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए।
थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा। चलो बच्चा अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। अच्छा आज क्या करना है डिस्कस हम लोग को, बोलो भाई कोई बताओ। वैष्णवी बोलो बेटा। सर वो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का कुछ था, थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था, आपने कहा था उससे। क्या रह गया था बेटा, याद है कुछ? सर एक मिनट। एक्सरसाइज टू कंप्लीट, सीएम लिख रहा है, अंकिशा लिख रही है एक्सरसाइज टू। यस सर उसके बाद कहाँ तक कर चुके थे बता दो एक बार मुझे। सर आपने मतलब जब एग्जाम एग्जाम से पहले जो डिस्कशन किया था उसमें एक्सरसाइज टू तक का ही था। हाँ एक्सरसाइज टू में कहाँ तक किया था डिस्कस? सर अभी शीट एक्चुअली है नहीं, दूसरे डिवाइस पे अभी कर रहे हैं, तो एक मिनट या फिर आप किसी और से एक पूछ लीजिए, अभी मेरे पास सॉरी शीट नहीं है। ये बता सही, अंकिशा भी सही बता रही है, पूछते हैं अंकिशा से। बोल तो अंकिशा। हेलो। हाँ बेटा बोल, कहाँ तक किए थे हम डिस्कस? आपने कहा था कि सर आज एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट करवाएंगे डिस्कशन में, तो 2 में कहाँ तक कर चुके थे बच्चा हम लोग? सर वेट अ मिनट, सर आप उसमें फर्स्ट पार्ट का आप कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, 9-10 मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है सर। ओके पार्ट 2 में, पार्ट 2 सर पार्ट 2 का 5th क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, 5th या 9th तक सर नॉट श्योर। हाँ 9 तो मुझे भी लग रहा है कर चुके थे। यस सर और उसके बाद से बाकी है। अरे नहीं मुझे लगता है ये भी कर चुके थे, 14 भी कर चुका था मैं, 14 भी कर चुका हूँ शायद लगता है मुझे। सर 14 से तब आप उसके पहले भी आप 2-3 बार होमवर्क देने के बाद डिस्कस करते थे तब करवाए होंगे। हो सकता है, किसी और से पूछता हूँ फिर, अब किसी को याद हो। उस्मान उस्मान। यस सर। हाँ बेटा बता दो कहाँ तक किए थे 2 में, पार्ट 2 में? सर पार्ट 2 में 5th-6th तक ही हुआ था सर, मतलब 7th सर में मैंने 7th पूछा था सर, तो वो आपने बताया 7th तक बताया था। यस सर। अच्छा 9 नहीं बताया था, वो तो 9 नो सर, 9 का तो मुझे ध्यान नहीं है सर। नटवाल बोल रहा है मुझे पता है, कोई बताएगा फिर नटवाल बताएगा। ओके सर। नटवाल बोलता है मुझे पता है, बोलो भी नटवाल। यस सर। हाँ बेटा कहाँ तक किए थे बताओ? सर पार्ट 2 में क्वेश्चन 9 कराया था, फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी कराया था फिर आपने। अच्छा 14 तक हो गया था। यस सर। अच्छा ठीक है ओके थैंक यू बच्चा। चलो 14 तक हो गया था बेटा हम लोग का, 14 से आगे पूछो, 14 से आगे पूछो बच्चा, 15-16 पूछना है किसी को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 16-17 पूछना है। ओके देखा जाए बच्चा, 16-17-18-15 भी हो गया था। ओके ठीक है बेटा, देखो 16 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा, An object of height 1 meter, 1 centimeter कहता है बेटा, object की height हमारी है 1 centimeter, ठीक है? Is moved along principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter, बेटा convex lens का focal length हो गया 10 centimeter. Figure shows variation of magnitude of height versus image distance v, है ना बेटा? कहता है हमें graph बनाना है हाइट ऑफ इमेज वर्सेस v, है ना बेटा? तो देखो हाइट ऑफ इमेज वर्सेस v के लिए मैंने लिखा 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/v + 1/f में सॉरी, तो फिर बेटा 1/v - 1/u = 1/f,
तो 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई एफ। इसका मतलब बेटा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी बाई यू। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस बी बाई एफ। इसका मतलब बेटा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई एफ इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो है बेटा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 1 माइनस बी बाई एफ इन सेंटीमीटर, है ना बच्चा। अब ग्राफ में देखो बेटा, ग्राफ में इसका मॉड है, तो अगर मैं पहले इसकी ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा देख बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। ये बनेगा हाइट ऑफ इमेज वर्सेस एफ वर्सेस बी, है ना बेटा। तो देख तो रे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड स्लोप नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन, बोलो, है ना। ये हो गया हमारा वन, ये हो गया वन इंटरसेप्ट, है ना बच्चा, ठीक। और ये वाला कब होगा देखो, ये जीरो कब हो जाएगा, तो कहोगे जीरो कब आएगा, जब बी इक्वल टू एफ होगा बेटा, है ना। अब कहता है बेटा इसका मॉड कर लो, अब अगर मॉड कर लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला तो ऊपर ही रहेगा बेटा और नेगेटिव वाला नीचे भाग जाएगा ऐसे। तो जितना एंगल ये था बेटा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये भी बेटा उतना ही एंगल होगा, है ना। इसका मतलब दोनों तरफ का ग्राफ जो है बेटा वो सिमेट्रिकल बनेगा। तो ये दूरी अगर एफ है तो ये दूरी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2f, है ना बेटा। अब देखो डाटा में, ये v1 ये v2, तो क्वेश्चन में कहता है बेटा v2 माइनस v1 बताओ। तो देखो तो v2 माइनस v1 क्या हो गया f, ना बेटा देखो f कितना दिया था 10 सेंटीमीटर हो गया बच्चा, ठीक है। 17 में देखो, 17 बच्चा इरेज कर रहा हूं इसको, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन द फिगर शोन एन ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसा, इसका रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर, है ना। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, इसका म्यू बेटा 3/2। मीडियम टुवर्ड्स राइट, वाटर है बेटा, इधर हमारा मीडियम, इधर हमारा मीडियम 4/3 है, है ना। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट रे बिकम्स पैरेलल फाइनली, है ना बच्चा। सवाल कहता है कि यहां से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ताकि रे यहां से निकल जाए पैरेलली, है ना बेटा। तो देखो अगर रे बेटा यहां से निकल गया पैरेलली, सुनना बेटा, रे निकल गया यहां से पैरेलली, है ना बच्चा। इसका मतलब इस वाले सरफेस को ऐसे ही क्रॉस करके आया, देखो बेटा इस वाले सरफेस को नॉर्मली क्रॉस किया ना, तभी तो होगा पैरेलल। इसका मतलब यहां से रे ऐसे आना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है। तो कहेंगे इस बाउंड्री से फर्क ही नहीं पड़ता, गौर करो ये वाला बाउंड्री से फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि यहां नॉर्मली आ गया रे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल सरफेस ही काम में आएगा, तो सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या लिखोगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना बच्चा। म्यू टू बाई वी, म्यू टू कितना हो गया ये मीडियम 3/2, है ना बेटा, बाई वी इंफिनिटी माइनस म्यू वन वन बाई यू माइनस एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस 1 बाई रेडियस प्लस 10। देखा बेटा वाटर का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है। आगे चलो 18 नंबर सवाल,
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एन ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट इन एयर एंड ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर विच इज फिल्ड अप टू हाइट 44 सेंटीमीटर है ना बच्चा देखो ये हाइट है बेटा 12 सेंटीमीटर ये है 44 सेंटीमीटर ठीक है बीच में हो गया बेटा लेंस ठीक द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 ग्लास 3/2 बॉटम ऑफ कंटेनर इज क्लोज्ड बाय ए थिन ग्लास स्लैब 3/2 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फाउंड बाय सिस्टम है ना बेटा तो देखो बेटा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर एयर में है बच्चा एयर में फोकल लेंथ 10 है अभी तो वाटर में है ना बच्चा तो अभी कुछ और फोकल लेंथ होगा ना क्या लिखोगे इन एयर 1/f इक्वल टू 3/2/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ठीक है बेटा अब इन वाटर वाटर में हो गया बेटा 1/f इज इक्वल टू 3/2/4/3 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ठीक है बच्चा अब इन दोनों को बेटा आपस में डिवाइड कर लो आपस में डिवाइड कर लोगे तो f/10 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1/2 और ये हो गया 1/8 इनटू कैंसिल हो गया इसका मतलब f इक्वल टू हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर f हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर है ना अब आगे देखो ऑब्जेक्ट से बेटा जो रे आ रही है ना ये सबसे पहले कहां से क्रॉस करेगा प्लेन सरफेस से तो प्लेन सरफेस के क्रॉस करने का फॉर्मूला SI/SO इक्वल टू μ2/μ1 इसका मतलब बेटा SI इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है ना बेटा इमेज की दूरी कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर हो गई ठीक है बच्चा अब देखो यहां से हो गया बेटा 16 सेंटीमीटर तो लेंथ से कितना हो गया देखो दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस बोल बच्चा ठीक है लेंस से हो गया 60 सेंटीमीटर अब लेंस की बात करो तो यू हो गया बेटा माइनस 60 सेंटीमीटर एफ हमारा प्लस 40 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करो तो आएगा भी तुम्हारा बेटा 120 सेंटीमीटर पॉजिटिव इसका मतलब यहां से 120 सेंटीमीटर नीचे बना इमेज है ना अब सुनना गौर से तो देख बेटा यहां से रे जो है बेटा यहां से इससे पार करी इससे पार करने के बाद कहां आएगा पानी में उसके बाद पार कर कहां जाएगा ग्लास में ग्लास से फिर जाएगा एयर में इसका मतलब पानी और एयर है ना बच्चा पानी और एयर इसके बीच में क्या आ रहा है ग्लास का स्लैब लेकिन बेटा वो ग्लास का स्लैब बहुत पतला है ना है और स्लैब के बारे में क्या पता है बेटा स्लैब कुछ भी करता है तो अपने थिकनेस की मदद से करता है बेटा है ना जो भी वो शिफ्ट करता है उसमें थिकनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा अब कहते हैं इसका थिकनेस बहुत कम है इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है तो स्लैब को हटा दो स्लैब को हटा दोगे तो प्रे कहां से कहां गई तो कहोगे वाटर से एयर में गई तो डायरेक्ट वाटर से एयर में घुस जाओ क्या करोगे अब SI/SO इज इक्वल टू μ2/μ1 इसका मतलब बेटा SI इक्वल टू 90 सेंटीमीटर बात समझा 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा बेटा इमेज आगे चलो पार्ट थ्री में आ जाओ 1 से 5 तक पार्ट थ्री में 1 से 5 तक ईश्वर को पूछना है 4 नंबर ओके इरेज कर रहा हूं चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो हाँ बेटा डाल देंगे यूट्यूब पे डाल देंगे
तीन चार पांच तीनों पूछना है। ठीक देखो बेटा, तीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट थ्री में कहता है बेटा, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस, है ना बच्चा, दो मीडिया एक्स और वाई, है ना। तो ग्राफ को देखो बेटा, ग्राफ को क्या कहोगे, साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू टेन थर्टी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, है ना बच्चा। इसका मतलब रूट थ्री अब कहां से कहां गया बेटा था, ये एक्स से वाई में गया था ना, तो क्या होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर ये हो जाएगा वन बाई रूट थ्री इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। बोलो बेटा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसका मतलब म्यू टू इक्वल टू रूट थ्री म्यू वन। बोलो ठीक है। अब देखो पहला सवाल, मीडियम कहां से कहां गया, देखो आई इन मीडियम एक्स, इसका मतलब ये हो गया बेटा एक्स और ये हो गया वाई। पहला ऑप्शन, एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज रूट थ्री टाइम्स इन मीडियम एक्स, है ना बच्चा। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहां होती है, रेयर मीडियम में। रेयर कौन है बेटा, एक्स ना, रेयर मीडियम एक्स है ना बच्चा। ये डेंसर है, देखो ज्यादा है ना, ये रूट थ्री टाइम्स है ना, तो ये डेंसर है तो वाई में स्पीड कम होगी ना बच्चा। ये तो गलत कर दिया ए, तो अगर ए गलत हो गया बेटा, इसका मतलब बी सही हो गया। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब रेयर से डेंसर से रेयर में जाए। तो अभी कहां से कहां गया बेटा, एक्स से वाई गया ना बेटा, तो इंसिडेंस अगर एक्स में होगा, इंसिडेंस अगर एक्स में होगा मतलब रेयर मीडियम में होगा तो नहीं होगा, डेंसर में होगा तो होगा। इसका मतलब सी गलत और डी सही, समझ गए बच्चा। सीएम शर्मा कुछ नहीं है बेटा, सिंपल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक, जहां रेयर मीडियम होता है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। चार में देखो, चार नंबर में, फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सोर्स थ्रू ए प्रिज्म केप्ट इन एयर फॉर एवरी एंगल ऑफ डिविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, कहता है बेटा फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म केप्ट इन एयर फॉर एवरी एंगल ऑफ डिविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो बच्चा, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है हर डिविएशन के लिए दो एंगल होता है, सही बात है ना। कैसे करते हो, ग्राफ याद करो, किसे बताया था, बताया था ना ऐसे, हर डिविएशन के लिए, हर डिविएशन के लिए दो एंगल होता है ना बेटा, ठीक है। लेकिन देखो मिनिमम में कितना हो गया, तो कहोगे मिनिमम में एक ही ना हुआ बेटा, इसका मतलब पहला हमारा गलत है, किसके लिए, मिनिमम डिविएशन के लिए, तो ए हमारा गलत है। बी चलो, द लाइट ट्रेवलिंग इन साइड द आइसोसेलेस प्रिज्म इज नेसेसरी पैरेलल टू बेस, है ना बच्चा। अगर आइसोसेलेस प्रिज्म में बेटा ये दोनों एंगल बराबर है तो ऐसे आएगा रे, और ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा तो, और ये हो जाएगा पैरेलल, है ना बच्चा। लेकिन बेटा आइसोसेलेस प्रिज्म ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो कि रे यहां से आकर के इसमें निकल जाए, तब तो नहीं होगा बेटा पैरेलल, तब तो पैरेलल नहीं होगा ना ये, इसका मतलब बी गलत। सी देखो, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डिविएशन, सही बात, आइदर ई और आई इक्वल टू पाई बाई टू, कह देना या तो आई या तो ई, दोनों में से कोई एक पाई बाई टू, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन विल इंक्रीज, है ना बेटा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर दोगे, सही बात, फॉर्मूला देख लो उसका, फॉर्मूला चेक कर लो, नहीं बेटा मैक्सिमम पे डिविएशन 90 होता है, नहीं 90 थोड़ी होता है, डिविएशन नहीं होता, आई 90 पुट करते हैं, तो आई 90 पुट किए तो मान लो ई आ गया 30, तो अब आई 30 कर देंगे तो ई हो जाएगा 90, तो दो एंगल हो गए ना 90 और 30। देखो बेटा पांचवा में,
इरेज कर रहा हूं। आगे देखो, मिनिमम ड्यूसेंट में दिक्कत है बेटा, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो पांचवा में साइन फंक्शन होता है वो, एन इक्विलेटरल प्रिज्म डिविएट्स एरे थ्रू 60-40 डिग्री। देख बच्चा, इक्विलेटरल प्रिज्म, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है ना बेटा, और डिविएशन हमारा है 40 डिग्री। फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंस बाई 20 डिग्री। तो दो एंगल कौन कौन सा होता है, एक आई होता है बेटा, एक ई होता है ना, दोनों में डिफरेंस 20 का है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करो तो क्या बोलोगे बेटा, आई प्लस ई माइनस ए बराबर, आई प्लस ई माइनस ए बराबर 40। इसका मतलब बेटा आई प्लस ई बराबर हो जाएगा 100। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना मॉड है वो। आगे बोलो, 6 to 10, 6 to 10 नहीं पूछना, 7 9, 6 7 8 9, भाई सब कुछ हो गया यार, सब लिख दिया तुम लोग सब मिल करके। देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू रिफ्रैक्टिंग मीडिया आर सेपरेटेड बाय ए स्फेरिकल सरफेस एज शो इन द फिगर, पी पी डैश इज द प्रिंसिपल एक्सिस, म्यू वन म्यू टू आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। तो क्या होगा देखते बच्चा, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, चलो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। देखो तो बच्चा, फॉर्मूला क्या बेटा, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर है ना बेटा, आर पॉजिटिव है। देख लो पहला ऑप्शन, इफ म्यू टू इज मोर देन म्यू वन देन देयर कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। पहला चेक कर रहा हूं बेटा मैं, पहला वाला चेक करो, देखो बेटा रियल है ना, इसका मतलब यू नेगेटिव है। अगर यू नेगेटिव है बेटा तो क्या लिखोगे, म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, वहां जाके हो जाएगा बेटा माइनस, क्या कर दोगे, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू माइनस एक्स कर लिया तो हो जाएगा बाई एक्स। बोल बच्चा, ठीक है, कहता है बेटा इफ म्यू टू इज मोर देन म्यू वन, तो देखो बेटा म्यू टू अगर म्यू वन से बड़ा है, म्यू टू अगर म्यू वन से बड़ा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। बोलो बच्चा ये पॉजिटिव है ना, अब देखो अगर ये पॉजिटिव बच्चा है ना और इससे बड़ा हो जाए तो हमारा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो रियल इमेज आ सकता है बच्चा। बोलो रियल इमेज मतलब भी पॉजिटिव है ना बच्चा, अब बताओ अगर हमारा ये जो है बड़ा हो जाए इस वाले से तो भी पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो कहता है बिल्कुल नहीं बन सकता, तो गलत है बच्चा ये है ना। अब देखो बी वाला चेक करो, बी वाला चेक करो बेटा, बी क्या कहता है, म्यू टू इज मोर देन म्यू वन देन देयर कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब u पॉजिटिव बेटा, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये प्लस ना हो जाएगा बेटा म्यू वन बाई एक्स, फिर तो पक्का पॉजिटिव आएगा, पक्का पॉजिटिव आएगा तो पक्का रियल आएगा। ये लिखा है कैन नॉट बी रियल इमेज, गलत, बी भी गलत। सी चलो, सी कहता है बेटा इफ म्यू वन इज मोर देन म्यू टू देन कैन नॉट बी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो तो अगर यू हम पुट कर दे बेटा प्लस एक्स वर्चुअल है ना, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू वन बाई एक्स। देखो बेटा म्यू वन इज मोर देन म्यू टू, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव,
और ये है बेटा पॉजिटिव। अब तो डिपेंड करता है ना बेटा इसमें कौन बड़ा है, है ना। अगर ये बड़ा हुआ तो रियल हो जाएगा, ये छोटा हुआ तो ये रियल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या है, देयर कैन नॉट बी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। गलत ना बेटा, सही हो गया, सॉरी एक मिनट। म्यू वन इज मोर देन म्यू टू, देन देयर कैन नॉट बी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज नहीं हो सकता, तो आ सकता है बेटा, नेगेटिव है ना ये, तो ये गलत है बेटा। तो सही कौन सा है भाई, रुको। म्यू वन इज मोर देन म्यू टू, देन देयर कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इफ म्यू वन इज मोर देन म्यू टू। म्यू वन इज मोर देन म्यू टू, म्यू वन इज मोर देन म्यू टू, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ना बेटा, ये वाला केस हुआ, ये तो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो भी पक्का नेगेटिव हो जाएगा, भी पक्का नेगेटिव हो जाएगा, तो रियल नहीं बन सकता, तो फिर डी हमारा सही है बेटा। लेकिन और चेक करने तो मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। देखिए बेटा ए में म्यू टू इज मोर देन म्यू वन, देन देयर कैन नॉट बी ए रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल के लिए भी चाहिए पॉजिटिव, ये है बेटा पॉजिटिव, है ना, और ये है नेगेटिव, तो रियल इमेज नहीं बन सकता। बन सकता है ना, जब ये बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये गलत। बी देखो, म्यू टू इज मोर देन म्यू वन, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। म्यू टू हमारा बड़ा है म्यू वन से, है ना बेटा, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो प्लस हो जाएगा, है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव आएगा ना हमेशा, तो हमेशा रियल आएगा, हमेशा रियल आएगा। इसका मतलब कैन नॉट बी रियल, ये भी गलत है बेटा। फिर म्यू वन मोर देन म्यू टू, कैन नॉट बी म्यू वन लेस देन म्यू टू, म्यू वन लेस देन म्यू टू, फिर नेगेटिव हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो कुछ भी आ सकता है आंसर। तो लिखता है वर्चुअल इमेज, नहीं भी गलत है बेटा। आंसर क्या है, रे कहां से कहां जा रही है, ओ उल्टा मैंने कर दिया बच्चा, इसलिए गड़बड़ आ रहा है, सॉरी सॉरी मैं उल्टा कर दिया। रे उधर से आ रही है, देखो फर्स्ट मीडियम यू वन है ना रे, आर नेगेटिव बेटा, सॉरी रे ऐसे आ रही है, रे इधर से आ रही है, तो आर नेगेटिव हो जाएगा बेटा, आर नेगेटिव। फिर से करता हूँ वापस, देखो तो पहला वाला कहता है बेटा म्यू टू इज मोर देन म्यू वन, म्यू टू अगर म्यू वन से बड़ा हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पक्का नेगेटिव, ये पक्का नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो ये सही हो गया बेटा। दूसरा म्यू टू मोर देन म्यू वन कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ भी आर नेगेटिव बेटा, यहाँ आर नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल नहीं बन सकता, तो देखो तो बेटा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कुछ भी आ सकता है ना, इसका मतलब ये गलत है, सही है। सी देखो, आर नेगेटिव बेटा, तो अगर म्यू वन लेस देन म्यू टू, तो ये भी हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, तो पक्का आएगा पॉजिटिव, है ना, तो सी भी सही हो गया, तो डी गलत हो गया फिर। ठीक है, आगे चलो, क्या पूछना है, सेवन सेवन पूछना, सेवन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन कहता है वैल्यूज ऑफ डी वन डी टू फॉर द फाइनल रेस टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चा, सिर्फ डायग्राम काफी है, देखो बेटा इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका 20 सेंटीमीटर, इसका -5 सेंटीमीटर, इधर हमारा ऑब्जेक्ट ये है बेटा 10 सेंटीमीटर पे, देखना सब लोग, जब रे यहां से जाएगा बेटा तो इसका फोकस है ना ये हो जाएगा बेटा पैरेलल, है ना, जब यहां हो जाएगा बेटा पैरेलल तो अब गिरेगा इसके फोकस पे, अब गिरेगा बेटा इसके फोकस पे, बोलो ठीक है,
इसके फोकस भी गिरना चाहिए। और क्वेश्चन कहता है कि यहां से भी निकलना चाहिए पैरेलल, ये तभी हो सकता है जब ये वाला पॉइंट इन दोनों का फोकस हो। तो अगर इन दोनों का फोकस है बेटा, इसका मतलब ये दूरी 5 सेंटीमीटर और ये दूरी 15 सेंटीमीटर, बोलो बच्चा, तभी संभव है ना, बात समझा। इसका मतलब ये दूरी तो 15 होनी चाहिए, है ना बच्चा, ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ओनली डी टू। तो कौन सा आंसर हो गया, ए बी और सी, ठीक है बच्चा। तो चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं डिस्कस। अभी वही टारगेट है, एक्सरसाइज 2 पूरा करना है, वही सेम टारगेट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, सेम टारगेट है। बाय बच्चों, एलएम में चाहो तो एलएम में सेक्शन ए और बी कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेक्शन ए और बी कर लो।